लता जी ने एक गाना गाया, जो गाना के लिए आज भी लता जी हर विश्व का इतिहास बन गया। वो गाना क्या था? ए मेरे वतन को लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय, हिमालय कहाँ पे है? आपका यूपी में है, उत्तराखंड में है। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आज़ादी। मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा रलय है। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना पूरा पूरी पूरा तरह, ये हमारा हक बनते हैं। मैं पहले दो चार बात कहने के पहले माफी चाहूंगी कि हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बोलते बोलते सीख जाऊंगी कि यूपी का भी बहुत सारे आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, बिहार का भी बहुत सारे आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, राजस्थान का भी आदमी रहते हैं, हरियाणा का भी रहते हैं, पंजाब का भी रहते हैं, पूरा हिंदुस्तान को, हर इंसान हिंदुस्तान को हर प्रांत में रहते हैं। मैं दो चार बात कहने का पहले, लता जी को जो देहांत हुआ है, मैं उनका ऊपर श्रद्धांजलि निवेदन करके दो लाइन कहने चाहूंगी। जब 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ, तो वो वार का बाद जो शहीद हुए हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए लता जी ने एक गाना गाया, जो गाना के लिए आज भी लता जी हर विश्व का इतिहास बन गया। वो गाना क्या था? ए मेरे वतन को लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय, हिमालय कहाँ पे है? आपका यूपी में है, उत्तराखंड में है। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आज़ादी। जब ताक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर पर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम जो देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, हम सबको आम श्रद्धांजलि निवेदन करने चाहती हूँ लता जी का एक गाना पे। उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है, आज़ादी का आंदोलन से शुरू करके जितना भी प्रधानमंत्री आप लोगों ने दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सभी तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का ही है। हमारे उधर में कुंभ मेला होता है, कुंभ का जो 12 तारीख से गंगा सागर मेला कौन करते हैं? हमारा ज्ञानदास जी करते हैं। ज्ञानदास जी रहते कहाँ है? अयोध्या में रहते हैं, उसका ट्रस्ट अयोध्या में है, रहते हैं उधर में, लेकिन उसको मेला मैं कर देती हूँ। और 30-40 लाख लोग यूपी से, बिहार से जाते हैं। हम लोग कभी किसी को पूछता नहीं है क्या तुम्हारा रिलीजियन क्या है, तुम्हारा प्रांत क्या है। हाँ, मैं ही पूछने चाहे कि आप तो हिंदुस्तानी है ना, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई बनारस में रहते हैं, कोई मीरठ में रहते हैं, कई मथुरा में रहते हैं, कोई वेस्टर्न यूपी में रहते हैं, कोई हथरास में रहते हैं, कोई उन्नाव में रहते हैं, कोई लखनऊ में रहते हैं, कोई इलाहाबाद में रहते हैं। पूरा दिल से दिल मिला के
आप लोगों ने एक साथ में हिंदुस्तान से सबसे बड़ा राज्य यूपी है।